के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। बहुप्रतीक्षित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स गोरखपुर में प्रथम शैक्षिक सत्र का हुआ शुभारंभ। MBBS फर्स्ट ईयर में 50 स्टूडेंट के साथ पठन पाठन शुरू। पूर्वांचल वासियों को मिला सौगात। मंडलायुक्त जयंत नालिकर ने वाणिज्य कर विभाग का किया औचक निरीक्षण। अनुपस्थित मिले 30 कर्मचारी जिसमें 15 अधिकारी भी शामिल। मंडलायुक्त ने कहा वसूली के लक्ष्य को हर हाल में करें हासिल। अपर सचिव बेसिक शिक्षा रेणुका कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दी प्रेरणा ऐप की जानकारी। कहा प्रेरणा ऐप से होगा शिक्षा के स्तर में सुधार। फर्जी असलाह लाइसेंस जांच में बड़ा खुलासा। कई गन हाउस के सीज अभिलेखों के विक्रय रजिस्टर में मिले ऐसे लाइसेंस जो कलेक्ट्रेट के अभिलेखों में दर्ज ही नहीं। गोरखनाथ थाना क्षेत्र में भारतीय स्टेट बैंक के ATM में हुई चोरी की घटना के खुलासे के लिए SSP ने किया स्पेशल टीम गठित। कहा जल्द होगा घटना का खुलासा। रविवार को नंदा नगर के पास दो भाइयों पर जानलेवा हमले के विरोध और आरोपियों की गिरफ्तारी के संबंध में स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर किया विरोध प्रदर्शन। पुलिस के आश्वासन पर माने लोग। छात्र संघ चुनाव कराने को लेकर कुलपति का घेराव कर रहे छात्रों का पुलिस से हुआ झड़प। पुलिस ने 4 से अधिक छात्रों को परिसर में धारा 144 लागू होने का हवाला देकर कुलपति के चैम्बर से किया बाहर। नवागत अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व राजेश कुमार सिंह ने किया कार्यभार ग्रहण। कहा सरकार की योजनाओं को समय से पूरा करना उनकी प्राथमिकताओं में है शामिल। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान गोरखपुर के जमीन स्थानांतरण के बाद सपा सरकार द्वारा लगाए गए शिलापट को हटाए जाने के विरोध में समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने ADM City से की मुलाकात। शिलापट को पुनः लगाने की मांग। SSP ने किया पुलिस ऑफिस के साथ कोतवाली व राजघाट थाने का औचक निरीक्षण। त्योहारों के मद्देनजर जांची पुलिस की तैयारियां। कहा साकुशल संपन्न कराएं सभी त्योहार। सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर रजनीकांत पांडे ने गोरखपुर विश्वविद्यालय के शिक्षक द्वारा लिखित पुस्तक सामाजिक न्याय एवं वैश्वीकरण का किया विमोचन। गोरखपुर मुख्यालय से दक्षिणांचल की तरफ रोडवेज की बसें चलाने की मांग को लेकर ADM City के माध्यम से CM को प्रेषित किया गया मांग पत्र। कहा बसें चलाने से लोगों को किराए और समय में मिलेगी राहत। और फैशन कनेक्ट द्वारा 2 दिवसीय डिजाइनर कपड़े गहने व अन्य सामानों की लगाई गई प्रदर्शनी। महिलाओं ने जमकर की खरीदारी।